आज स्टार्ट करते हैं तीसरी क्लास आज हमारी, ठीक है। तो कल अब तक यस हमने कंप्यूटर के बारे में जो कुछ थ्योरी पार्ट था वो किया है कि कंप्यूटर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। उसके अलावा हमने यस सर कंप्यूटर की बेसिक शॉर्टकीज के बारे में पढ़ा है कि कंप्यूटर की बेसिक शॉर्टकीज कौन कौन सी होती हैं और यस सर कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। देन आज हम स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बारे में कि डेस्कटॉप में जब हम राइट बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज ओपन होती है, तो उसके बारे में यस सर पढ़ेंगे, ठीक है। यस सो यस सबसे पहले आता है हमारा व्यू। अब ये व्यू क्या होता यस है, यहाँ पर देखेंगे जो हमारे आइकन्स हैं, यहाँ पर मैं लार्ज आइकन्स पे क्लिक करता हूँ तो आइकन्स का साइज हमारा लार्ज हो गया है, लार्जर ठीक है। वापस हम राइट बटन प्रेस करते हैं, मैं मीडियम आइकन्स पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे आइकन का साइज मीडियम हो गया है। मीडियम उसके अलावा मैं स्मॉल आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आइकन्स का साइज स्मॉल हो स्मॉल गया। कल हमने एक शॉर्ट की थी जिसकी मैं कंट्रोल प्लस स्क्रोल बार अप करने पे, स्क्रोल बटन अप करने पे हमारे आइकन का साइज लार्ज हो रहा था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यस स्क्रोल स्क्रोल बार का जो हमारे स्क्रोल बार डाउन करने पर आइकन का साइज डिक्रीज होगा यानी स्मॉल होगा, ठीक है। सर यस हम या तो यहाँ सर से राइट बटन प्रेस करके यहाँ से भी लार्ज आइकन कर सकते हैं या फिर हम कंट्रोल के साथ स्क्रोल बटन से भी आइकन का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, क्लियर, ठीक यस है। सर नेक्स्ट वापस हम राइट बटन क्लिक करते हैं, उसके बाद में एक ऑप्शन होता है हमारा ऑटो अरेंज आइकन्स। अब इसको हमने चेक किया हुआ है। अब देखिए मैं जब भी अपने आइकन को यहां पर रखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पर चाह रहा हूं कि मेरा जो डेस्कटॉप आइकन है ये यहां पर आ जाए, लेकिन ये यहां पर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, यहां पर यस सर एज इट इज उसी जगह फिक्स हुआ पड़ा है। तो उसके यस सर इसके लिए हम क्या करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकन्स को अनचेक कर देंगे। अब मैं अपने आइकन्स को कहीं भी अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे रख सकता हूँ, हो रहा है यस ना, सर आप कहीं भी इसको मूव कर यस सकते हो डेस्कटॉप स्क्रीन सर पर। उसके बाद मैं वापस राइट बटन क्लिक करता हूँ, व्यू में जाता हूँ और ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जितने भी हमारे डेस्कटॉप आइकन्स थे वो ऑटोमेटिक अरेंज हो गए, यानी जो इसका ये यस एरिया है ग्रिड है उसी ग्रिड के अकॉर्डिंग वो अरेंज हो गए, ठीक है ना। यस सर तो ऑटो अरेंज आइकन से क्या है, हम अपने डेस्कटॉप आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। अभी अलाइन आइकन टू ग्रिड क्या होता है, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, मैंने यहां पर अनचेक कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे मैं यहां पर अपने वापस हम ऑटो अरेंज आइकन को कर देते हैं। अब मैं देखिए मैं अपने आइकन्स को कहीं भी बीच में रख सकता हूं, यानी उसका कोई भी एक ग्रिड नहीं है ना, यहां यस पर सर मैं कहीं भी यस इसको सर रख सकता हूं। लेकिन जब मैं माउस का राइट बटन क्लिक करता हूं और यहां पर अलाइन आइकन टू ग्रिड पे क्लिक करता हूं, अब देखिए अब मैं अपने यहां पर आइकन को ऊपर ईसी और दिस पीसी के बीच में रखना चाहता हूं, लेकिन वहां पर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना यहां पर, नहीं हो रहा सर तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, अलाइन आइकन टू ग्रिड को चेक करके रखा है, यस ठीक सर है। अब ये होता क्या है, अलाइन आइकन टू ग्रिड, आपने साइंस में पढ़ा होगा ग्रिड, हर किसी जो जितने भी हमारे मार्स होते हैं हर किसी की यस ग्रिड होती सर है, तो सेम ऐसी आइकन की, जब भी मैं आइकन पे सिलेक्ट करता हूं तो देखो इसमें एक रेक्टेंगुलर एक शेप आ रही है, इस पे व्हाइट कलर में यस लाइनिंग आ रही सर है ना पर, तो ये क्या यस करता है, सर ये इस आइकन की ग्रिड होती है। मैं रिसाइकल बिन पे क्लिक करूंगा तो रिसाइकल बिन पे भी है, ऐसे ही दिस पीसी पे क्लिक करूंगा तो दिस पीसी पे भी है। अब ये क्या करता है हमारा जो अलाइन आइकन टू ग्रिड होता है कि आप जो भी आइकन होते हैं उनको आप किसी भी आइकन की ग्रिड में नहीं रख सकते जब तक हम उसको चेक करके रखेंगे। जैसे ही मैं यस इसको अनचेक कर देता हूं तो हमारे जो आइकन की ग्रिड है वो अब उसमें कोई मैटर नहीं करेगा, आप कहीं भी किसी भी आइकन को सेव कर सकते हो यानी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो यस वापस अलाइन आइकन टू ग्रिड को चेक कर देते हैं और उसके बाद में अरे ऑटो अरेंज आइकन्स को भी। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा शो डेस्कटॉप आइकन्स। मैंने आपको बताया था ना डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं, यस सर अब यस मैं सर चाहता हूं कि इन सभी डेस्कटॉप आइकन्स को हाइड करना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा शो डेस्कटॉप आइकन्स पे अनचेक कर दूंगा, यानी जो मैंने चेक हुआ पड़ा है इसको अनचेक कर देंगे तो हमारे जितने भी आइकन्स है वो सभी हाइड हो जाएंगे। आप अपने डेस्कटॉप के आइकन्स को हाइड भी कर सकते हैं, मैं वापस शो करना चाहता हूं तो व्यू में जाऊंगा और यहां पर शो डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक कर दूंगा, तो जितने भी हमारे आइकन्स हैं वो सभी शो हो जाएंगे, क्लियर, ठीक है। उसके बाद वापस व्यू में अब हमारे ये सभी टूल्स हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम शॉर्ट बाय। अभी शॉर्ट बाय क्या होता है, शॉर्ट बाय में आप देखिए सबसे पहले अब हमें ये समझना होगा कि जो हमारे डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं ये चार तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा सिस्टम आइकन, जैसे इनबिल्ट इनबिल्ट आइकन बोलते हैं जिसको, सिस्टम इनबिल्ट आइकन। जैसे आपने फोन में देखा होगा
एंड्रॉइड फोन में मोस्टली जीमेल, यूट्यूब, ये प्री इंस्टॉल होते हैं, कैलकुलेटर हो गया हमारा, प्री इंस्टॉल होते हैं ना? यस सर। तो ऐसे ही कंप्यूटर में कुछ जो हमारे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो प्री इंस्टॉल होती है। जैसे हमारे दिस पीसी हो गया, रिसाइकल पिन हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, ये क्या है, इन्हें हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक हमें इंस्टॉल ही मिलते हैं। जैसे नेटवर्क हो गया, तो अब जो ये हमारा शॉर्ट वाई है, ये शॉर्ट वाई, ये नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट मॉडिफाई, ये हमारा इन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जो हमारे चार तरह के आइकन्स होते हैं, ये चार तरह के कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टम आइकन, सेकंड होते हैं हमारे फोल्डर्स, थर्ड होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर, फोर्थ होते हैं हमारी फाइल्स। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम आइकन, सेकंड फोल्डर, थर्ड सॉफ्टवेयर और फोर्थ फाइल। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं आपको पता है सॉफ्टवेयर के बारे में? जैसे सर हम बोल सकते हैं व्हाट्सएप हो गया, हाँ बिल्कुल, इंस्टाग्राम हो गया, हाँ बिल्कुल, ऐसे जो नॉर्मली यूज करते हैं, तो जिनको हम डाउनलोड करते हैं, यानी कोई भी डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर हो गया या एप्लीकेशन, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, फोन में हमारे वही चीज एप्लीकेशन कहलाती है और कंप्यूटर में, लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यस सर। ठीक है, उसके अलावा फोल्डर्स क्या होते हैं, जो आपको ये येलो कलर के दिख रहे हैं, न्यू फोल्डर, ईसीए, ये हमारे फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, अब ये फोल्डर्स होते, इनका काम क्या होता है, फोल्डर्स में हम क्या है, कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर हम स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। जैसे सर फाइल में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो फोल्डर में फाइल स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल 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 करेक्ट। ठीक है, और फोर्थ क्या होता है हमारा, फाइल्स। ओके, फाइल्स जैसे वर्ड की फाइल होगी, एक्सेल की फाइल हो गई, है ना? यस सर। तो ये हमारी फाइल्स होती है। अब उसके बाद में हम वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं, शॉर्ट बाय। अब सबसे पहले मैंने नेम पे क्लिक किया, ठीक है, तो नेम पे क्लिक करने के बाद में देखेंगे, वापस मैं एक बार और फिर से नेम पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे अब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हुआ है, यानी सबसे पहले जेड वाला आया, जेड के बाद में फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में एल, तो इस तरह से शॉर्ट हुआ है। यानी जो हमारे शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स एक साथ हुए, उसके बाद में हमारी पीडीएफ की फाइल, यानी फाइल है, तो फाइल, उसके बाद में फाइल हो गई, वो एक साथ हुई है, उसके बाद में फोल्डर्स हुए हैं, देन हमारे ये भी जो सॉफ्टवेयर है वो हुए, और उसके बाद में हमारे सिस्टम आइकन हुए। मैं वापस इसको एक बार और करता हूँ, ठीक है, तो अब वापस हमने फिर से शॉर्ट किया है, तो यहाँ देखेंगे एन, एन के बाद में आर, ठीक है, ये आ रहे हैं ना हमारे ऐसे। यहाँ पर हमारे जो शॉर्टकट्स हैं, हमारे जो अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है, ए के बाद एफ, एफ के बाद में जी, जी के बाद में एम, तो ये भी सीक्वेंस में आ रहा है, यानी शॉर्ट हो रहा है। ऐसे यहाँ पर ईसीए, ईसीए टू, न्यू फोल्डर, ये भी शॉर्ट हो गया एक तरह से। उसके बाद में बी, यानी हमारी जो फाइल्स होती है, फाइल, फाइल एक साथ शॉर्ट हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है, नेम वाइज अपने जो भी हमारे डेस्कटॉप आइकन्स है उनको शॉर्ट कर सकते हैं। मैं अपने आइकन्स को साइज वाइज शॉर्ट करना चाहता हूं, तो यहां से साइज पे क्लिक करूंगा। अब जैसे जैसे हमारी फाइल का साइज होगा, जैसे इस फाइल का साइज कितना है, 2.23, यानी जो एक हमारी सिंगल फाइल है, तो ये 2.23 एमबी की है। ठीक है, तो टॉप पे आ जाएगी। उसके अलावा जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के साइज है, अब मैं यहाँ पर फोल्डर का साइज देखता हूँ, फोल्डर का यहाँ पर मैं राइट बटन क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो यहाँ पे 0 bytes है, यानी इसका कोई साइज नहीं है, तो ये ऊपर आ गई है। उसके बाद में मैं ईसीए टू पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, और यहाँ पर इसमें भी कोई फाइल नहीं, तो जो यानी इनका जो साइज है 0.0 है, तो वो साइज के अकॉर्डिंग आ गया, यानी 0.0 तो एक तरह से उसमें कोई फाइल ही नहीं है, तो उसका साइज ही नहीं होता है। ठीक है, तो 0.0 जितनी भी फाइल है हमारी वो एक साथ आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम टाइप, मैं आइटम वाइज भी अपने डेटा को शॉर्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले ऊपर हमारे आ गए कौन से, सिस्टम आइकन, ठीक है, उसके बाद फोल्डर्स, फोल्डर्स एक साथ हो गए हमारे सभी, उसके बाद फाइल, फाइल्स हो गए, उसके बाद में हमारे शॉर्टकट्स हो गए, और इसके बाद में यहाँ पर जितने भी हमारे जितने शॉर्टकट हमने डाउनलोड किया हुआ, यानी जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किए थे वो एज ए शॉर्टकट यहाँ पर लास्ट में शॉर्ट हो गए। यस सर। तो क्या हम अपने डेटा को नेम वाइज शॉर्ट कर सकते हैं, साइज वाइज शॉर्ट कर सकते हैं, आइटम वाइज शॉर्ट कर सकते हैं, और डेट वाइज शॉर्ट कर सकते हैं। अब शॉर्ट में भी हम असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। जैसे मैं डेट वाइज शॉर्ट करूंगा, मैं लेटेस्ट डेट के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने वंडर शेयर फिल्मोरा, ये मैंने अभी रिसेंटली डाउनलोड किया था, तो वो अभी बिल्कुल जस्ट सबसे टॉप पे आ रहा है। ठीक है, ऐसी लूम को मैंने दोपहर को किया था, तो इसलिए
ये उसके बाद में आ रहा है। तो ऐसे ही हम डेट वाइज अपने जितने भी हमारे डेस्कटॉप आइकन है उनको शॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर। सर ठीक। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टूल होता है हमारा रिफ्रेश। मैंने कल भी आपको रिफ्रेश के बारे में बताया था। तो अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप रिफ्रेश होने लगेगा, या इसकी एक शॉर्ट की होती है F5। F5 से भी आप रिफ्रेश कर रिफ्रेश कर सकते हैं। सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेस्ट। पेस्ट के बारे में तो कल मैंने आपको बता दिया था। यस सर। पेस्ट कॉपी करने से किया डाटा और कट किया हाँ डाटा पेस्ट हाँ हो सकता बिल्कुल, है। पेस्ट तभी काम करता है जब या तो हमने डेटा कॉपी किया हुआ है या फिर पेस्ट जो तो कट कट किया किया। हुआ है। ठीक है। या तो यस डेटा कॉपी हुआ है या फिर कट हुआ है तभी हम पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो पेस्ट नहीं होगा। क्लियर। यस सर उसके बाद नेक्स्ट होता है पेस्ट शॉर्टकट। अब ये पेस्ट शॉर्टकट क्या होता है, आइडिया है कुछ आपको शॉर्टकट, पेस्ट शॉर्टकट का नो सर। शॉर्टकट क्या होता है? चलो शॉर्टकट के बारे में बताओ। शॉर्टकट सर जैसे हम काम जल्दी करना हो कोई शॉर्टकट की, जैसे अपने कॉपी करना है पहले जैसे माउस से सिलेक्ट करते हैं डाटा टाइम ज्यादा लगेगा, तो शॉर्टकट कॉपी करना शॉर्टकट की से करेंगे कंट्रोल सी करेंगे आसानी से हो सकता है। बिल्कुल। तो शॉर्टकट क्या होता है, देखो किसी भी चीज को एक शॉर्टकट उसका क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने कोई भी फाइल अपने यहां पर मैंने अंदर सेव ओपन की हुई है, की जैसे मान के चलो मैंने अपने ड्राइव में सेव की हुई है, अब मैं किसी भी फोल्डर का या फिर मैं किसी भी फाइल का अपना एक शॉर्टकट बना लेता हूँ। जैसे मैं यहां पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन से मैंने एक शॉर्टकट की से फोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद में यहां पर मैं इसका नाम दे देता हूँ ECA3। ठीक है, EC3 मैंने सर नाम दे दिया। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, राइट बटन शॉर्टकट क्लिक की करता नाम हूँ और उसके बाद में यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ओके क्रिएट शॉर्टकट। अब ये यहाँ पर हमारा सर क्रिएट का है, यहीं पर हो गया, यानी शॉर्टकट सर जो भी हमने क्रिएट किया था यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता यस हूँ, इसको वापस कॉपी करता हूँ, मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाता सर हूँ, यहाँ पर राइट बटन प्रेस ओके करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट शॉर्टकट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर पेस्ट शॉर्टकट कर लिया। तो जो ECA3 वाला हमारा फोल्डर है यहाँ पर, उसी का सेम शॉर्टकट हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाएगा। आ गया ना यहाँ पर। अब मैं देखो यस मैं यहाँ पर मैं कोई भी फोल्डर, इसमें एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम। जैसे मैंने एक ये फोल्डर क्रिएट किया, एक और मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसमें हमारे तीन फोल्डर है, मैंने कहाँ पर क्रिएट किया है, डेस्कटॉप पर क्रिएट किया है शॉर्टकट, और जो भी फोल्डर मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किए हैं वो डेस्कटॉप पे किए हैं। ठीक है ना। अब सर मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं वापस यहां पर जाता हूँ जहां पे लोकल डिस्क में मैंने अपना फोल्डर क्रिएट किया था EC3 वाला। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो जो हमने शॉर्टकट में फोल्डर क्रिएट किए थे वही सेम तीनों फोल्डर यहां पर हमारे आ जाएंगे। तो शॉर्टकट क्या होता है, आप किसी भी फाइल पे मान के चलो आपने ड्राइव में सेव कर रखा है कहीं भी, आप उस पे चाहते हो कि मैं बार बार ड्राइव में ना जाकर अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही शॉर्टकट बना लूं कि जो भी मैं काम करूं ऑटोमेटिक उसमें अपडेट हो जाए। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसका शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद में जो भी आप काम करोगे वो ऑटोमेटिक आपका जो आपकी एक्चुअल फाइल है, मेन फाइल है, उसी में सेव होगा। मैं भी यहां से कोई भी फोल्डर डिलीट करता हूं तो वहां से भी ऑटोमेटिक फोल्डर डिलीट हो जाएगा। मैं इसमें जाता हूं तो यहां पर तीन, पहले तीन फोल्डर थे इसमें, अब तीन की जगह दो ही रह गए। ठीक है, उसके बाद में इसको मैं वापस क्लोज कर देता हूँ। देन नेक्स्ट राइट बटन क्लिक करते हैं, पेज शॉर्टकट हो गया। अंडू डिलीट, ये कल बता दिया था आपको, कंट्रोल जेड। जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूं तो यहां पर ये नहीं आया अभी। डिलीट की फाइल्स फोल्डर वगैरह वापस आ जाएगा, रिस्टोर हो जैसे जाएगा। हाँ, जैसे मैं ECA वाले फोल्डर को यहां से डिलीट कर देता हूँ, मैंने ECA वाला फोल्डर डिलीट कर दिया, मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो ECA वाला फोल्डर वापस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट रीडू। रीडू के बारे में कल बताया था, वापस हम कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं या फिर मैं वहां से रीडू भी कर सकता हूँ, तो जो फोल्डर हमने डिलीट किया था वो एज इट इज डिलीट ही हो जाएगा, यानी जो हमने वापस रिस्टोर किया था कंट्रोल जेड से वो अब रीडू हो जाएगा, यानी डिलीट ही रहेगा वो। क्लियर। नेक्स्ट होता है हमारा न्यू। न्यू में क्या है, आप यहां से कोई भी न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, न्यू शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, आप डेटाबेस की फाइल क्रिएट कर सकते हो, बिट मैप, इमेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे मैं मान के चलो वर्ड की एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने यहां पर वर्ड की न्यू फाइल क्रिएट कर ली, इसमें नाम दे देते MS वर्ड। MS वर्ड मैंने इस फाइल को नाम दे दिया। ठीक है, तो मैं वर्ड के साथ साथ मैं एक्सेल की फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, वापस राइट बटन क्लिक करूंगा, न्यू में जाऊंगा और यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इस पर क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे यहां पर एक्सेल की एक नई वर्कशीट
इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप न्यू में जाकर कोई भी एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट उसके बाद में आता है हमारा डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग को ओपन कर लेता हूं। अभी डिस्प्ले सेटिंग में देखो, यहां पर जब भी मैंने डिस्प्ले सेटिंग ओपन किया तो यहां पर जो भी हमारी डिस्प्ले की सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएंगे। उसमें सबसे ऊपर जो हमारा चेंज ब्राइटनेस फॉर द बिल्ट इन डिस्प्ले, इसमें आप करोगे तो इसमें कोई भी इसका एक्चुअल में यूज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा नाइट लाइट। नाइट लाइट क्या होता है, जैसी इवनिंग होती है, रात होती है, तो ऑटोमेटिक हम क्या है, नाइट लाइट को ऑन कर देते हैं, तो हमारी जो स्क्रीन है हल्की सी ब्लू लाइट की हो जाती है, यानी ब्लू हो जाती है, जिससे क्या हमारी जो आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने यहां पर नाइट लाइट की सेटिंग को ओपन किया और यहां पर देखोगे ना, स्क्रीन इमिट ब्लू लाइट विच कैन कीप यू एट नाइट, नाइट लाइट डिस्प्लेज वार्मर कलर्स टू हेल्प यू स्लीप। तो ये नाइट लाइट क्या होता है, थोड़ा सा ना हमारे आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ने देता है जब हम रात में अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर में काम करते हैं। ठीक है, अभी हमने यहां पर टाइमर क्या सेट करके ऑन अंटिल सनराइज 6:53 AM, तो ये क्या है, सुबह 6:53 तक नाइट लाइट ऑन रहेगी। इसकी स्ट्रेंथ यहां से हमने सिलेक्ट कर रखी है, मैं स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता हूं यहां से बढ़ जाएगी, कम करना चाहता हूं कम कर जाएगी, थोड़ा सा इफेक्ट इसमें नहीं दिख रहा है। वापस शेड्यूल कर लेते हैं, शेड्यूल नाइट लाइट, यहां से मैं इसको शेड्यूल करना चाहता हूं सनसेट टू सनराइज, यानी रात शाम को जब भी सनसेट होगा उस टाइम पे ऑटोमेटिक ये सनलाइट जो नाइट लाइट है वो ऑन हो जाएगी, और कब तक, 6:53 तक, यानी मॉर्निंग के जो 6:53 है तब तक ये ऑन रहेगी, जैसे ही 6:53 के बाद 6:54 होते हैं तो वो ऑफ हो जाएगी। क्लियर? हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट के बाद में नीचे स्केल एंड लेआउट। अब ये क्या होता है, चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर आइटम्स। अब यहाँ पे क्या है, 100% रिकमेंडेड, जो भी आपका जो स्क्रीन का साइज है यानी डिस्प्ले का साइज है वो 100% पे। मैं इसको 125% कर देता हूं तो देखेंगे हमारे आइकन्स का साइज बढ़ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे भी पूरी जितने भी हमारी एप्लीकेशन होती है, फाइल्स होती है, सबका साइज वो इंक्रीज हो जाएगा। हो गया ना यहाँ पर, तो यानी जो हमारी डिस्प्ले है वो क्या हो गया, डिस्प्ले का साइज 125% इंक्रीज हो गया है। मैं वापस इसको 100% पे क्लिक कर देता हूँ, तो 100% करने के बाद में हमारी जो आइकन का साइज हो गया, टेक्स्ट साइज हो गया, सभी का साइज नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? यस सर। उसके बाद में एडवांस, एडवांस में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें वापस चलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ पर डिस्प्ले रिजोल्यूशन, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, यानी इसको आप चेंज नहीं कर सकते लैपटॉप में, लेकिन कंप्यूटर में, कंप्यूटर में भी होता है, कंप्यूटर में आप चेंज कर सकते हो अपने मॉनिटर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, क्योंकि हमारा मॉनिटर क्या है, हम 16 इंच की स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, 17 इंच की भी कर सकते हैं, 18 की भी, 20 की भी, तो अपने अकॉर्डिंग जैसी आपकी स्क्रीन रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिस्प्ले रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। क्लियर? क्लियर सर। नेक्स्ट उसके बाद में डिस्प्ले ओरिएंटेशन। अभी ये जो हमारी डिस्प्ले है वो क्या है, लैंडस्केप में है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पता है आपको? यस सर। लैंडस्केप वो होता है जो सर चौड़ाई में होता है, तो पोर्ट्रेट वो जो लंबाई में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लैंडस्केप में अब जो हमारी स्क्रीन है वो लैंडस्केप में है। मैं इसको पोर्ट्रेट में कर देता हूँ। देखियो, पोर्ट्रेट में करने के बाद हमारी स्क्रीन कैसे होगी, है हो गया ना? यस सर। वापस इसको रिवर्ट कर लेते, रिवर्ट से क्या है वापस चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसी हमारी पहले लैंडस्केप में थी तो एज इट इज लैंडस्केप में ही रहेगी। क्लियर? यस सर। अगर मैं यहाँ पर इसको कीप चेंज कर दूंगा तो ये क्या है, वो कीप चेंज यानी पोर्ट्रेट में ही रहेगी, आपकी जो डिस्प्ले है वो पोर्ट्रेट में ही रहेगी। एक तरह से ऐसा होता है जैसे हमारा टेबलर मोड होता है, टेबलेट मोड होता है ना, कि हम फोन यूज करते हैं, पोर्ट्रेट में यूज करते हैं ना फोन हम अपना, तो ऐसा ही हो रहा है इसमें, ये ऑटोमेटिक अपना, अगर आप उसको कीप चेंज नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक वो लैंडस्केप में ही आ जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट, इसमें लैंडस्केप फ्लिप भी होता है और पोर्ट्रेट फ्लिप भी, यानी अब जो हमें स्क्रीन दिख रही है वो टॉप टू बॉटम दिख रही है हमें। यस सर। ना, मैं इसको फ्लिप कर लूंगा तो क्या है, ये बॉटम टू टॉप हो जाएगी, यानी ये आपकी जो है रोटेट हो जाएगी, जो स्क्रीन है ना आपकी लैंडस्केप में वो रोटेट हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, करके दिखाएं आपको। यस सर। चलो करके दिखा देते हैं, लैंडस्केप फ्लिप हो गई ना आपकी स्क्रीन फ्लिप। यस सर। अब ये क्या, बॉटम टू टॉप हो गया, टॉप हो गया। मैं वापस इसको रिवर्ट कर देता हूँ, रिवर्ट करने के बाद में अब हमारी स्क्रीन नॉर्मल हो गई है लैंडस्केप में। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट, मल्टीपल डिस्प्लेज। अगर आपने अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में और भी डिस्प्लेज ऐड की हुई है तो यहां से आप कनेक्ट कर सकते हो, उसको डिटेक्ट कर सकते हो।
जिससे आपकी क्या है, जो दूसरी आपकी डिस्प्लेज है वो कनेक्ट हो जाएंगी इससे। उसके बाद हम नेक्स्ट एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स, यहाँ से अगर आपकी जैसे मल्टीपल डिस्प्ले होती है तो वो यहाँ से आप डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3 का रिजोल्यूशन देख सकते हो, सारा कुछ जो भी आपकी डिस्प्ले की सेटिंग्स है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो अगर आपकी मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्टेड है इसमें। जैसे अभी तो मैंने सिर्फ ये मेरा स्क्रीन, मेरी एक स्क्रीन ही कनेक्ट है। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर लैपटॉप में आप मल्टीपल स्क्रीन भी कनेक्ट कर सकते हो, तो ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखेंगे डिस्प्ले हो गया हमारा। डिस्प्ले डिस्प्ले के बाद में होता है साउंड, साउंड में जाते हैं। अब जैसे यहां पर मैंने क्या है अपना हेडफोन कनेक्ट किया हुआ है, तो यहां पर हेडफोन का नाम आ रहा है। अगर मैं कोई और डिवाइस इसमें कनेक्ट करके रखता तो उसका नाम आ जाता। अगर मैं स्पीकर हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस यानी जो इसका लैपटॉप का ही स्पीकर है उसी को कनेक्ट करूंगा तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। क्लियर? यहां से आप वॉल्यूम, मास्टर वॉल्यूम, यहां से आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जो भी आप वॉल्यूम इसमें इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? अगर इन केस आपकी वॉल्यूम है उसमें कोई इश्यू आता है, यानी आपकी वॉल्यूम आप इंक्रीज तो कर रहे हो लेकिन साउंड नहीं सुन रहा है, तो यहां से आप ट्रबल शूट कर सकते हो। तो कंप्यूटर में लैपटॉप में क्या है, ट्रबल शूट होता है, जिससे क्या है ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है वो ट्रबल शूट। क्लियर? ठीक है। यहां से आपका माइक हो गया, चूज योर इनपुट, आपका जो भी माइक है माइक का यहां से देख सकते हैं कि भाई आपने कौन सा माइक इसमें कनेक्ट कर रखा है। जैसे मैं अब माइक कौन सा है, मैं लैपटॉप वाले माइक को यूज कर रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं तो इसको जो हमारा हेडफोन है इसको भी मैं कनेक्ट कर सकता हूं। क्लियर? क्लियर। आप अपने माइक माइक को चेक करना चाहते हो कि भाई आपका माइक वर्किंग कंडीशन में है नहीं है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। अब ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है तो वो क्या है, उससे पता चल रहा है कि हमारा माइक जो है वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है। उसके अलावा अगर इन केस आपके माइक में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहां से आप ट्रबल शूट कर सकते हो, जिससे क्या है आपके जो माइक में जो भी प्रॉब्लम होगी ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट होकर और रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। ओके सर। ओके सर। इसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में जाके आपके कंप्यूटर में, जैसे हमारे फोन्स में होता है, फोन्स में क्या होता है कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो हमारे टॉप साइड से आती है ना नोटिफिकेशन, तो ऐसी सेम हमारे लैपटॉप में कंप्यूटर में आती है, वो यहाँ पर राइट साइड में आती है। तो आप जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे शो करना चाहते हो यहाँ से आप शो कर सकते हो, जैसे गूगल क्रोम की, ऑटो प्ले की, तो यहाँ से जो भी आप नोटिफिकेशन शो करना चाहते हो तो यहाँ से आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे शो नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन, जब भी आपकी स्क्रीन लॉक रहेगी तब भी वो आपको नोटिफिकेशन शो करेगा, तो हाँ बिल्कुल आप इसको चेक करोगे तो शो करेगा, अगर अनचेक कर दोगे तो नहीं करेगा शो, नहीं करेगा। उसके अलावा शो रिमाइंडर्स एंड इनकमिंग VOIP कॉल्स ऑन द लॉक स्क्रीन, जब भी आपकी स्क्रीन लॉक होगी तो आपको रिमाइंडर या फिर कोई भी इनकमिंग कॉल्स है वो आपको शो करेगा। अलाउ नोटिफिकेशन टू प्ले साउंड, जब भी कोई भी साउंड प्ले होगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको शो करेगा। तो इसके थ्रू क्या हम अलग अलग नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फोकस असिस्ट। फोकस असिस्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर आप देखोगे ऑफ गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम योर एप्स एंड कॉन्टेक्ट्स, आप क्या है अपनी आपकी जो भी नोटिफिकेशन आप उनको ऑफ भी कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि भाई मेरे कंप्यूटर में या लैपटॉप में बहुत नोटिफिकेशन आती रहती हैं, जब भी हम नेट ऑन करते हैं या फिर कोई भी अपग्रेड होता है कुछ तो नोटिफिकेशन आती है, तो आप चाहते हो कि मुझे नोटिफिकेशन शो ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ऑफ कर देंगे। क्लियर? तो ऑफ करने के बाद क्या है आपकी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो ऑफ हो जाएंगे, फिर आपको नोटिफिकेशन शो नहीं होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा प्रियोरिटी ओनली। यानी प्रियोरिटी ओनली में क्या होता है कि आप चाहते हो कि भाई अपनी एक आपने प्रियोरिटी लिस्ट बना ली है कि आपको सिर्फ उन्हीं उन्हीं की नोटिफिकेशन देखनी है, तो यहां से आप क्या है उनकी नोटिफिकेशन को देख सकते हो। जैसे मैं यहां पर कॉल की और यहां पर रिमाइंडर्स कोई भी ऐप यूज में करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन यहां से अपनी लिस्ट बना सकता हूं प्रियोरिटी लिस्ट, जिसके थ्रू क्या होगा जब भी आप इसको सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ आपकी जो जो प्रियोरिटी में आपने सॉफ्टवेयर फाइल जिस पे भी आपने प्रियोरिटी को ऐड कर रखा है, प्रियोरिटी में ऐड कर रखा है, तो उन्हीं की आपको नोटिफिकेशन शो होंगे, अदरवाइज किसी की नहीं होंगे। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट होता है हमारा अलार्म्स ओनली। तो इसमें क्या होता है आपकी सारी नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएंगे यानी हाइड हो जाएंगे, सिर्फ किसको छोड़कर अलार्म को छोड़कर, कि आपको सिर्फ अलार्म अलार्म शो होगा, अदरवाइज सारी नोटिफिकेशन हाइड हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर सर। नेक्स्ट हमारा होता है ऑटोमेटिक रूल्स। यहाँ पर क्या है ड्यूरिंग दिस टाइम्स आप इसको ऑन करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो भी आपकी नोटिफिकेशन है वो सिर्फ प्रियोरिटी के लिए, प्रियोरिटी जो भी होंगे 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये आपकी ऑन हो जाएगी। उसके अलावा व्हेन आई एम डुप्लीकेटिंग माय डिस्प्ले, जब भी मैं
डुप्लीकेटिंग करता हूँ, यानी एक डिस्प्ले से दूसरी डिस्प्ले में काम करता हूँ, तो वहां पर सिर्फ हमें अलार्म वाली नोटिफिकेशन शो हो, तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो उससे आपको ऑन करने पर अलार्म वाली शो होंगी, ऑफ कर देंगे तो नहीं होंगे, क्लियर। जब भी उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा व्हेन आई एम प्लेइंग ए गेम, जब भी मैं कोई गेम खेल रहा हूँ तो मुझे सिर्फ प्रियोरिटी प्रियोरिटी वाली है नोटिफिकेशन शो करानी है, तो जिसके थ्रू क्या है प्रियोरिटी वाली एप्लीकेशन सॉरी नोटिफिकेशन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में व्हेन आई एम यूजिंग एन ऐप इन फुल स्क्रीन मोड, जब भी मैं कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन मोड में ओपन कर रखा हूँ, ओपन किया हुआ है, ऑन कर रखा है, तो उसमें क्या है मुझे अलार्म वाली, सिर्फ अलार्म अलार्म वाली नोटिफिकेशन चाहिए और उसके अलावा कोई भी नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं ऑन, क्लियर। क्लियर सर। उसके बाद में नेक्स्ट पावर एंड स्लीप मोड, यहाँ से क्या होता है आपकी जो स्क्रीन है ठीक है, जब भी आपकी बैटरी पावर ऑन रहती है, यानी जब भी आप जैसे कोई काम कर रहे हो, काम करते करते आपने काम करना बंद कर दिया, तो क्या है 5 मिनट आप कितने मिनट बाद अपनी स्क्रीन को ऑफ करना चाहते हो, तो यहाँ पर यस 5 मिनट आप यहाँ से टाइम भी चेंज कर सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो भी आप यहाँ से टाइम को सेव करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, क्लियर। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा व्हेन प्लग्ड इन, जब भी आपने चार्जर लगाया हुआ है, और यस चार्जर सर। लगाने के बाद क्या होता है आप चाहते हो कि जैसे ही मैंने चार्जर लगाया तो उसके कितने मिनट बाद हमारी स्क्रीन की जो लाइट है वो ऑफ हो जाए, जैसे हमारे फोन में होती है ना स्क्रीन स्क्रीन लाइट, हाँ सेम ऐसे ही हम अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में भी कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसके बाद नेक्स्ट बैटरी, बैटरी में क्या है आप अपने बैटरी चेक कर सकते हैं, अब ये ओपन हो रहा है, जैसे मेरे लैपटॉप में बैटरी कितनी 68% है, तो यहां से आप अपनी बैटरी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन होता है टू गेट मोर फ्रॉम योर बैटरी व्हेन इट्स रनिंग लो, जब भी आपकी बैटरी क्या है लो हो गई है यानी कम हो गई है, तो उसमें क्या है लिमिट नोटिफिकेशन एंड बैकग्राउंड एक्टिविटी, यानी एक लिमिटेड रहेंगी आपकी जो नोटिफिकेशन है और बैकग्राउंड में एक्टिविटी, यानी जो भी हमारी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रहेंगी वो लिमिटेड रहेंगी, जैसे हम फोन में भी करते हैं ना पावर मोड ऑन कर लेते हैं, तो सेम बिल्कुल हमारा वही है कि आप बैटरी सेव करना चाहते हो तो यहां से इसको ऑन कर लेंगे, तो जिससे कि आपकी बैटरी लो होने पर ऑटोमेटिक वो पावर सेवर बैटरी सेवर मोड में आ जाएगा, जिससे आपकी बैकग्राउंड की जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो यानी वर्क नहीं करेंगे, यस ठीक सर। है। उसके अलावा टर्न बैटरी सेवर ऑन ऑटोमेटिकली, जब भी आपकी बैटरी जो लैपटॉप की बैटरी 20% होगी तो यहां से ऑटोमेटिक बैटरी सेवर ऑन हो जाएगा, अब यहां से यस चेंज करना चाहते हो 10% 20% जितना भी आप करना चाहते हो यहां से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्लियर। ठीक प्लीज है, बैटरी यूजेस पर एप्लीकेशन, यानी आप देखना चाहते हो कि भाई मेरे मेरे जो कंप्यूटर में लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है उन्होंने कितनी कितनी बैटरी कंज्यूम की है, तो आप यहां से देख सकते हो कि भाई आपके कंप्यूटर में कितनी कितनी बैटरी कंज्यूम हुई है, ठीक है। ओके नेक्स्ट सर। उसके बाद में स्टोरेज, आप स्टोरेज देखना चाहते हो कि आपके जो कंप्यूटर में कितनी कितनी स्टोरेज है, तो यहां से देख सकते हैं हम, लोकल डिस्क सी 270 GB है, और उसमें एप्लीकेशन कितनी जीबी की है 8.43 GB की एप्लीकेशन हो गई, और उसके अलावा टेम्परेरी फाइल कितनी है 2.43 GB, तो यहां से आप अपने ड्राइव्स के बारे में चेक कर सकते हैं कि भाई आपके जो ड्राइव्स में इसमें कंप्यूटर में आपके कितनी कितनी स्टोरेज है और कितनी कितनी कितना कितना डेटा उसने कंज्यूम किया हुआ है। उसके अलावा सो मोर कैटेगरीज में करूंगा तो उसका पूरी डिटेल में आ जाएगा कि भाई आपकी कितनी कितनी मेमोरी कहाँ कहाँ पर कंज्यूम हो रही है, क्लियर। ठीक है, यस नेक्स्ट उसके बाद में व्यू स्टोरेज यूजेज ऑन अदर ड्राइव्स, अगर आपके कोई और अदर ड्राइव्स भी हैं, जैसे मेरे यहाँ पर सी ड्राइव है और डी ड्राइव है, तो आपको दोनों ड्राइव्स का यूज स्पेस बता देगा कि भाई आपके टोटल कितनी कितनी स्पेस है आपके ड्राइव्स में और कितना कितना कंज्यूम हो चुका है, कितना कितना पेंडिंग है, ठीक है। ठीक उसके बाद है। वापस चलते हैं, वापस जाने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा चेंज वेयर न्यू कंटेंट इज सेव्ड, यानी जब भी आप कोई भी न्यू कंटेंट इसमें डाउनलोड करते हो ऐड करते हो आप अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में, तो वहां पर वो कहाँ पे सेव होना चाहिए, तो जब भी आप कोई भी न्यू एप्लीकेशन सेव करते हो तो वहां पर आप चाहते हो लोकल डिस्क सी में सेव हो तो लोकल डिस्क सी में सेव होगा, लोकल डिस्क डी में सेव हो तो लोकल डिस्क डी में सेव होगा, ऐसे आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हो तो वहां कहाँ पे सेव करना चाहते हो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको सी ड्राइव में सेव करना है तो सी ड्राइव में कर सकते हैं, डी ड्राइव में करना है तो डी ड्राइव में कर सकते हैं, ऐसे सेम कोई भी म्यूजिक ऐड करते हैं तो वो भी आप सी ड्राइव में डी ड्राइव में जहां भी आप सेव करना चाहते हैं ऐसे सेव कर सकते हैं, कोई फोटोज वीडियोज कोई मूवीज करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपकी फाइल्स हैं फोल्डर हैं कुछ भी आप कोई भी वीडियो हो गई तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हो सी ड्राइव में या डी ड्राइव में, क्लियर। ठीक प्लीज है, उसके अलावा नेक्स्ट मैनेज स्टोरेज स्पेस,
मैं इसको ओपन करता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। ऑप्टिमाइज ड्राइव्स, यहाँ से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको क्लोज कर देते हैं वापस। नेक्स्ट उसके बाद में आता है हमारा टैबलेट, ये हमारा टैबलेट मोड होता है, इसको भी हम ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टूल्स थे जिनका हमने आज यूज किया है। उसके अलावा एक और होता है हमारे, यहाँ पर हम साउंड्स में जाते हैं, साउंड्स में जाते हैं तो यहाँ देखेंगे ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस शो रहे हैं ना आपको रिलेटेड सेटिंग में, तो हम यहाँ पर ब्लूटूथ और अदर डिवाइस को ओपन कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे अपने कंप्यूटर में अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, प्रिंटर करना है, जो भी आप करना चाहते हो। तो जैसे मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ क्या है, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस में जाऊंगा, यहाँ पर एड ब्लूटूथ और अदर डिवाइस को क्लिक कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद आप ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हो तो ब्लूटूथ वाले इस पे ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी आपका ब्लूटूथ नियर बाय में ऑन होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा, जिससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा कोई वायरलेस डिस्प्ले तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो, और उसके अलावा एवरीथिंग एल्स, जो भी आप वायरलेस एडेप्टर हो गया, कुछ भी आप कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर मेरा ऑडियो में क्या कनेक्ट है, ये एयरपोर्ट्स कनेक्ट है, तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। आपको कोई भी माउस कीबोर्ड या फिर पेन होता कनेक्टेड तो यहाँ से आपको शो हो जाता वो भी। जैसे यहाँ पर यूएसबी ऑप्टिकल माउस, मेरा यूएसबी वाला माउस कनेक्टेड है तो इसलिए यहाँ पर यूएसबी को शो को दिखा रहा है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटर और स्कैनर, आप देखना चाहते हैं कि भाई आपका कौन सा प्रिंटर कनेक्ट है, या फिर आपने कोई नया प्रिंटर कनेक्ट करना है या फिर स्कैनर कनेक्ट करना है, तो यहाँ से एड प्रिंटर और स्कैनर पर क्लिक करके आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट होती है हमारे माउस। अब क्या है, जो माउस है आप माउस की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो। आप अपने कर्सर की स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से कर्सर की स्पीड को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखो कर्सर की स्पीड हमारी, ये तो स्लो हो गई है, रुको एक सेकेंड, मैं यहाँ पे कर्सर की, अब हमारे कर्सर की स्पीड कितनी है, इंक्रीज हो गई है, यानी ज्यादा हो गई स्पीड, बहुत जल्दी जल्दी वर्क कर रहा है। मैं इसकी स्पीड को स्लो कर देता हूँ, आप देखेंगे मैं कर्सर को बहुत इसमें जान लगानी पड़ रही है। एक सेकंड रुको, यहाँ पर मैं इसको करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसमें क्या है, मुझे जान लगानी पड़ रही है, यानी एक तरह से फोर्स करना पड़ रहा है इसमें। ये जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड है, इसकी कर्सर की स्पीड है, वो बहुत ही स्लो हो गया। मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से कर्सर की स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब हमारे कर्सर की स्पीड क्या है, नॉर्मल हो चुकी है। उसके अलावा नेक्स्ट एक ऑप्शन होता है हमारा सिलेक्ट योर प्राइमरी बटन। अब माउस में जो हमारे बटन होते हैं, लेफ्ट बटन का यूज क्या होता है बताइए, कहाँ में सर, लेफ्ट बटन का यूज क्या होता है, बताया ना आपको लेफ्ट बटन, माउस के लेफ्ट बटन राइट बटन, ये सर माउस के सर, जैसे हम फाइल को ओपन करते हैं सिलेक्ट करने के लिए। हाँ, तो लेफ्ट बटन का यूज क्या होता है, सिलेक्ट करने के लिए और ओपन करने के लिए, राइट बटन का यूज प्रॉपर्टीज ओपन करने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, सिलेक्ट योर प्राइमरी बटन, मैं क्या कर देता हूँ लेफ्ट की जगह राइट कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, देखो मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाता हूँ, अब मैं क्या किसी भी फोल्डर को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं राइट बटन क्लिक करूंगा, जैसे यहाँ पर मैंने राइट बटन क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। अब मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ तो राइट बटन क्लिक करूंगा तो अब राइट से काम कर रहा है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, अब मैं राइट की जगह लेफ्ट करूंगा तो यहाँ पे लेफ्ट को क्लिक करूंगा, अब हमारे लेफ्ट वाला काम करेगा। यानी आप अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में यूज करके देखोगे ना, जब आप प्राइमरी को चेंज करोगे, यानी आप लेफ्ट से राइट में क्लिक कर दोगे, सिलेक्ट कर दोगे, तो आपका जो है माउस, माउस का लेफ्ट बटन वही काम करेगा जो पहले राइट बटन क्लिक कर काम करता था, और राइट बटन वो काम करेगा जो आपका लेफ्ट बटन काम करता है। मतलब सर पहले जो लेफ्ट वर्क काम करता है उसके ऑपोजिट वर्क करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, स्विच कर देगा, यानी जो हमारे एक तरह से कहते हैं ना कि जो मेरे सीधे हाथ का काम है वो उल्टा हाथ कर रहा है, जो उल्टे हाथ का काम है वो सीधे हाथ कर रहा है। यानी आप अपने माउस के जो बटन होते हैं दोनों का यूज होता है उसको स्विच कर सकते हो, क्लियर। उसके अलावा नेक्स्ट एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज, यहाँ से आप अपने माउस का कर्सर का साइज एडजस्ट कर सकते हो। आप अपने माउस का साइज यहाँ से मैंने इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज करना चाहता हूँ तो यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो, यानी स्मॉलर लार्ज करना है तो यहाँ से आप अपने कर्सर का साइज स्मॉलर लार्ज कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट चेंज पॉइंटर कलर, यहाँ से अपने पॉइंटर का कलर चेंज कर सकते हो। अभी ब्लैक हो गया, मुझे हाफ ब्लैक और व्हाइट करना है तो यहाँ से आप ब्लैक और व्हाइट कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे कलरफुल करना है तो यहाँ से कलरफुल कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ से कलर सिलेक्ट करोगे तो वही सेम कलर आपके कर्सर का हो जाएगा, क्लियर। मैं वापस अपने नॉर्मल वाले व्हाइट को कर लेते हैं सिलेक्ट। उसके अलावा नेक्स्ट एडिशनल मोड, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। एडिशनल माउस ऑप्शन, एडिशनल माउस ऑप्शन में आप देखोगे
जो हमारा ये सिलेक्ट योर प्राइमरी बटन, वही सेम ये बटन कॉन्फ़िगरेशन स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। अभी हमारा जो लेफ्ट बटन काम कर रहा है, हो रहा है ना ब्लू, यानी जो भी आप काम करते हो तो वो क्या है, लेफ्ट बटन से काम करते हो। अब मैं इसको स्विच कर देता हूँ, यानी जो अब आपका लेफ्ट बटन काम कर रहा है वो राइट बटन क्लिक करेगा। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो अप्लाई पे काम नहीं कर रहा है वो, लेकिन जब मैं इसमें राइट बटन क्लिक करूंगा तो अप्लाई हो गया है वो। ठीक है, अब मैं यस सर। वापस इसको स्विच करना चाहता हूँ तो मैं अब क्या राइट बटन क्लिक करूंगा तो वो स्विच हो गया है। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके उसके सर। बाद नेक्स्ट डबल क्लिक स्पीड। जो कल हम काम कर रहे थे, जब फोल्डर ओपन कर रहे थे तो बार बार क्या हो रहा था, सिंगल क्लिक पे ही ओपन हो रहा था ना, तो वो क्यों हो रहा था, क्योंकि यहां से हमने स्पीड उसको इंक्रीज कर रखी थी, जिससे क्या वो डबल यस क्लिक सर। काम कर रहा था। जो हमारे माउस की स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई थी, डबल क्लिक की स्पीड इंक्रीज हो गई थी, तो इस वजह से वो क्या है, सिंगल क्लिक पे ही ऐसा शो हो रहा था कि जैसे वो सिंगल क्लिक पे ही फोल्डर को ओपन कर रहा है वो। तो क्या है, हम यहाँ पर नॉर्मल रखते हैं तो जिससे क्या हमारे डबल क्लिक की स्पीड नॉर्मल रहेगी। क्लियर, इसको अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर्स, यहां से आप अपने पॉइंटर्स को यहां से स्कीम में जाके कोई भी अपने स्टाइल अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे विंडो ब्लैक ब्लैक एक्स्ट्रा लार्ज सिस्टम स्कीम, तो यहां से अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने जो आपके विंडो का डिफॉल्ट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने नॉर्मल साइज, अपने कर्सर का जो ये हमारा कर्सर होता है, कर्सर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हेल्प वाले तो इस तरह से आ जाएगा, वर्किंग बैकग्राउंड में तो ऐसे हमारा बैकग्राउंड में जैसे ब्राउजिंग होती है ना, तो ब्राउजिंग की तरह शो होगा। मैं वापस नॉर्मल सिलेक्ट ही रहने देता हूँ इसको। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंटर ऑप्शन, यहाँ से आप अपने माउस, जो हमारे माउस है, माउस का क्या है मोशन, यानी जो स्पीड है वो सेंट नॉर्मल चल रही है, मैं फास्ट कर देता हूँ तो फास्ट हो गई है कर्सर की स्पीड, मैं स्लो करूंगा तो स्लो हो जाएगी। जी हमने ऑलरेडी पहले पार किया हुआ है, कर्सर स्पीड की है ना हमने, तो आप यहाँ से पॉइंटर की स्पीड को प्लस माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्नैप टू। ये क्या, ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन ए डायलॉग बॉक्स। ये क्या करेगा, आपका जो भी डायलॉग पॉइंटर होगा, यानी आपका जो भी माउस है, कोई भी डायलॉग बॉक्स होगा, तो ऑटोमेटिकली वो वहां पर मूव हो जाएगा। ठीक है ना, आपका जो भी डायलॉग बॉक्स होगा ऑटोमेटिक वहां पर मूव हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट होता है हमारा डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स। तो इसमें क्या होता है, जो अभी आपके कर्सर दिख रहे हैं ना, रिपीटेड होते हैं, तो इस तरह से इसकी ट्रेल बन जाती है, जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन के पीछे बोगीज होती है, तो इस तरह से आपको सर, दिखेगी। ठीक है, तो हाइट पर काफी पॉइंटर शेडो को दिखेगी, है क्या करें, काफी शेडो दिखेगी इनकी, हाँ शेडो नहीं, एक तरह से ये रिपीटेड मतलब सर शेडो ऐसा मान, कह सकते हैं मुझे, हाँ शेडो मतलब मान जैसे सकते हो उसको, ट्रेल उन्हें। मान सकते हो, शेडो मान सकते हो, कि उनके बैक, एक तरह से जहां भी हम कर्सर को ले जाएंगे तो कर्सर के पीछे पीछे उसकी शेडो चलती रहेंगी। यस सर। नेक्स्ट होता है हमारा हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। जब भी मैं कोई भी कुछ भी टाइप कर रहा हूं तो हमारा पॉइंटर हाइड हो जाए, उसको जब मैं चेक करके रखूंगा तो हाइड हो जाएगा, अनचेक करके रखूंगा तो हाइड नहीं होगा। क्लियर, उसके अलावा शो लोकेशन ऑफ द पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। जब मैं इसको चेक करूंगा तो जब भी मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा तो हमें शो होगा कि यहां पर एक राउंड से सर्कल आएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा भाई यहां पर हमारा पॉइंटर है। ठीक है, उसके अलावा व्हील, व्हील में ऐसा कुछ है नहीं। उसके अलावा हार्डवेयर, तो ये हमारा माउस की प्रॉपर्टीज कंप्लीट। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट टच पैड। टच पैड में ऐसा कुछ है नहीं, जो हमारे ये होता है, जो कीबोर्ड लैपटॉप में जो टच पैड होता है, हाई सेंसिटिविटी, इसको हाई कर सकते हो, मीडियम करना चाहते हो मीडियम कर सकते हो, लो सेंसिटिविटी करना चाहते हो लो हो जाएगा। उसके अलावा टाइपिंग, टाइपिंग में आप ऑटो करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड, जब भी आप कोई भी टाइप करो तो ऑटो करेक्ट हो जाए वो। हाईलाइट मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी जब भी आप कभी कोई भी मिस स्पेलिंग हुई है, यानी गलत स्पेलिंग हुई, तो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए, तो ये सब यहाँ पे शो हो जाएगा। पेन एंड विंडोज इंक, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ऑटो प्ले ये भी नहीं है, और यूएसबी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी डिस्प्ले वाली सेटिंग्स है, जो भी हमने यहां से डिस्प्ले की सेटिंग्स में आज ये की है हमने, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा पर्सनलाइज होता है, उस पर हम कल काम करेंगे, क्योंकि पर्सनलाइज में काफी कुछ चीजें हैं, जिसमें आप बैकग्राउंड चेंज करना है, वॉलपेपर चेंज करना है, स्क्रीन सेवर लगाना है, प्लस में आपको कलर चेंज करने हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे आपको जो भी एक तरह से स्क्रीन सेवर होता है तो वो आप क्या शो करना चाहते हो तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जाके कर सकते हो। आप थीम्स चेंज करना चाहते हो अपने लैपटॉप की कंप्यूटर की, थीम्स चेंज कर सकते हो। फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो। ऐसे स्टार्ट,
स्टार्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या आपको शो होना चाहिए और इसके अलावा टास्क बार की हमने प्रॉपर्टीज की हुई है, तो बाकी हम पर्सनलाइज कल करेंगे। आज हमने क्या क्या किया है, हमने डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज की है जिसमें व्यू, शॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट, पेस्ट शॉर्टकट, अंडू, न्यू और डिस्प्ले सेटिंग। तो जो भी अब तक किया है समझ में आया कोई? यस सर, यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर।